ठीक है, सेठ की पुरानी मालिकन है, खोल दो। विक्रम, राका ने अपना केस वापस लेने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं बहन, वो कुछ भी कर ले मुझे 1 साल से ज्यादा कैद नहीं दिलवा सकता, और उसके बाद वो होगा और मैं। मैडम वक्त खत्म हो गया है। मैं कल लॉयर के साथ फिर आऊंगी। वकील साहब, ज्वाला आई थी और मुझे धमकी देकर गई है, पैसा पानी की तरह बहा दीजिए और उसके भाई को जितनी लंबी सजा हो सके लगवा दीजिए। अभी लम्हे गाड़ी को गंदी कर रहा है। गंदी नहीं, साफ कर रहा हूँ मालिक। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ मिल जाए तो अल्लाह भला करेगा। चले आ गया थे। भला हो मालिक। ये क्या तूने? ये मैंने नहीं किया मालिक, ये पहले मुझसे था मालिक। कमीने, झूठ बोलता है? मैं गरीब जरूर हूँ सेठ, लेकिन झूठा नहीं। नुकसान करता है और सामान खाता है। आज के बाद तुझे याद रहेगा कि मैं कौन हूँ। भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। तुम्हारी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। सेठ, एक मामूली निशान के सामने गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं है। ये इंसान नहीं, लोग हैं सोसाइटी के लिए। इन कुत्तों को तो गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहिए। बड़ा घमंड है सेठ आपको इस गाड़ी पे। ए मिस्टर, ये मर्सिडीज गाड़ी है, कभी चलाई है जिंदगी में? चलाई तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लग गई आठ आने की। हाँ ए!
वाकई ये गाड़ी चलानी नहीं आती। आप जीत गए सेठ, ये रहा रुपया। आठाने शर्त के पाके मरम्मत के शीला जी, आप खुद जितनी खूबसूरत है ना, आपकी आवाज भी उतनी खूबसूरत है। शुक्रिया। हेलो स्वीट हार्ट, क्या सेक्स है आपकी आवाज में, सेक्सी वॉइस, सेक्सी बॉडी। मेरे बारे में क्या ख्याल है, यू फाइंड मी सेक्सी? अगर आज के बाद शीला से कभी ऐसी बात की तो ये मुझे उखाड़ के मुंह में घुसेड़ दूंगा, समझा? इतना होता है जहनु में जाए तुम्हारे फैन, दूसरी बार कभी ऐसा फैन मिला तो पंखे से लटका दूंगा। अब गुस्सा ठंडा हुआ? राजेश, हमारी मुलाकात को कितना वक्त हुआ? डेढ़ घंटा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? जब चांद तारे सूरज जमीन आसमान कुछ भी नहीं था। फिर भी कहना, पूरा डेढ़ साल हुआ है और तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम करते क्या हो। फहिश करता हूँ। तो तुम्हारी शक्ल से जाहिर है, वैसे काम क्या करते हो? चोरी करता हूँ। चोरी? मजाक मत करो राजेश, बताओ ना। सच कह रहा हूँ, तुम मानती नहीं हो। आज तुम्हारे दिमाग का फ्रू ढीला हो गया है, तुमसे बात करना ही बेकार है। क्या ढूंढ रही हो? लगता है चाबी गिर गई। छू मंत्र काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। क्या मैं अपनी शक्ल से चोर लगता हूँ? चोर तो तुम हो, अपने प्यार के बंधन में बांधकर मेरा सब कुछ लूट लिया। शीला, आज के बाद तुम्हारा नाइट क्लब में गाना बिल्कुल बंद। Thank you.
लाओ सब मेरे हवाले कर दो। राजेश राजेश जो अरे बाप रे यार मैंने तुझे चोरी दिखाई थी तुझे पता लगा से दिखा तू यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने आया था पूजा माता अपने आया नहीं था दो घंटे से लगा हुआ था साली खुलती नहीं थी इतने भी किसी का सहाय नजर आया मैं समझ गया अपना राजेश होगा ये तो किसी के बाप की हिम्मत खुल लेगी चल निकल। अरे मैं तेरा गुरु होता हूँ कभी गुरु दशा भी देखा कि नहीं देखा? गुरु के पैर छुए जाते थे प्यारे हाथ में माल नहीं रखा जाता पुरानी दोस्ती की खातिर यार चोरी में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती समझा? अच्छा बेटा हमारी बिजली हमें सिमे हो लिया हुआ तेल लेने चल पड़ मैं लड़ने जा रहा हूँ ना यार फिर क्या मालूम जिंदगी में तुम्हें मुलाकात हो या ना हो जो तू लंदन जा रहा है पहले भी नहीं बताया मैं तेरा दिल देख रहा था सच अरे जी हाँ दोस्त इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती भाई शाबाश हाय लॉलीपॉप हाय किची किची ओह ओह क्या डिजाइन है किची किची टाइमिंग यू ओह आई एम सॉरी किची किची कोई बात हमारा मिस्टेक हमारा गाड़ी तुम्हारा गाड़ी पे चल गया कोई बात नहीं किची किची तुम कितना हैंडसम कितना ब्यूटीफुल आप भी तो प्योर पैसा से कम नहीं आई लव यू जल्दी मैं जरा जल्दी हम तुमको नहीं छोड़ेगा मेरी माँ भगवान के लिए मुझे माफ कर दे हम तो मदर बोलता है बैड बॉय आई एम 15 ईयर ओनली माय गॉड कुछ नहीं रे ओ कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब हमारा गाड़ी किसी किसी की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया शी इज राइट इंस्पेक्टर शी इज राइट आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किसी किसी लाइसेंस ब्रिंग या गाड़ी में है इंस्पेक्टर अभी लाता हूँ आपका भी लाइसेंस हमारा लाइसेंस काय को मानता मैन हम खुद एक लाइसेंस है बड़ा प्लीज हरी ओके तुम्हारा गड़बड़ में मेरा कुछ कुछ हाथ से निकल गया आई लव यू गॉड ब्लेस यू उसके भागने के बाद हमें पता चला कि इसी इलाके में एक रईस के मकान में तिजोरी तोड़ी गई और सारे जेवरात और पैसे गायब हैं। इस आदमी का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है सर पहले वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाया करता था वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया कुछ अरसे तक वो लापता रहा लेकिन जब वो वापस आया तो उसके रहने सहने का अंदाज बदल चुका था गाड़ी मोटर फ्लैट सब आ चुका है लेकिन बजाय उसका अपना कोई पेशा नहीं सर इसी असना में चोरी और नकाबदनी की वारदातें भी बढ़ गई मुश्किल से मुश्किल तिजोरियां यूं खुल जाती हैं जैसे किसी ने जादू कर दिया ये भी पता चला है सर कि जिस कार में वो सफर कर रहा था वो चुराई हुई थी उसकी अपनी नहीं थी इसलिए वो भाग निकला से गिरा नहीं चेहरा ही माप रहा था ज्यादा नहीं है
जरा पीछे भी शुक्रिया। अबे ओ मोटे, गोली चलाने का इतना शौक है तो मिलिट्री में भर्ती हो जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाँ मेरा नाम खान है, अमजद खान, और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। हाँ? बड़ा ही चिट्ठू आदमी है। क्यों भाई, दादागिरी है क्या? हाँ है। इसे पहचानते हो? बड़ा खूबसूरत आदमी है ना, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो नहीं हो सकता। करता क्या है? चोरी। चोरी? तोबा 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 तोबा, क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को, है ना? दोस्त, इस पिस्तौल में 3 गोलियां हैं, कितनी खाओगे? राजा मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। भूख खुद ब खुद लग जाएगी। भाई देता हूँ देता हूँ, लेकिन इसमें यकीन करो, इसमें कपड़े हैं तुम्हारे साइज के नहीं, तुम्हें फिट नहीं होंगे। पैसे चाहिए तो ले लो। अबे हाथ है क्या हथौड़ा? कहीं जबड़ा टूट जाता तो? ए, मजाक बहुत हो गया, समझा? अरे बोटे, एक पुलिस आ रही है, खुद भी फंसेगा मुझे भी फंसवाएगा। तेरे को माल चाहिए था? हाँ। आधा आधा बांट लेते हैं। छोड़। अरे छोड़। हाँ छोड़ता हूँ। अरे सांस फूल रही मोटे, छोड़। हाँ छोड़ता हूँ ना। राजेश कुमार वर्ल्ड कैलाशनाथ, आधी रात हिंद की दफा 392 के तहत नकद जनी और चोरी के जुर्म में तुम्हें 3.5 साल कैद बा मशक्कत की सजा दी जाती है। राजेश, राजू बोल रहे ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं चोर हूं, अगर इस चोर के लिए दिल में भी प्यार हूं तो उसका इंतजार करना, मुझसे वादा करो कि मुझसे जेल में मिलने कभी नहीं आओगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहिए, बहुत बड़ी वैन, 3 दिन के लिए, बहुत पैसा मिलेगा, ना तो मनी। किसने भेजा? ऊपर वाले ने। कितना स्मार्ट गाय। सुनो, बहुत गुस्से में हो भाई, सुबह सुबह की अपनी शक्ल देख ली थी आईने में। जाओ वरना इसी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। कुछ जमा नहीं। अब जमा? अब भी नहीं जमा। अब जमा? बोल अब जमा। तुम्हारी गाड़ी में सोना आ रहा है, मेन हाईवे पे कितने बजे पहुंचेगा? जानता नहीं। बोल। आज 11 बजे। गाड़ी का नंबर बोल। बोल। MRH
7241 असली नंबर नहीं चाहिए मुझे, वो नंबर चाहिए जो तूने बदला है। बोल बोल। MRH 2364 थैंक यू वेरी मच। मेरे भाई तूने कानून की मदद की है, अब 15 साल के लिए कानून तेरी रोटी रोजी का ख्याल रखेगा। गॉड ब्लेस यू। खुश नजर आ रहे हो मोहन, क्या बात है? तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं अपना घर बसा रहा हूँ। हमारी जिंदगी में घर बसाना बहुत मुश्किल है दोस्त, सोच लिया है? अमर, ये मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं ये धंधा छोड़ रहा हूँ। सब तो ठीक है, मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जाओ होशियार हो जाओ, चेक नाता आ रहा है। साहब ये चालान देखिए और डंडा उठाइए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ हाँ, ये हूँ क्या लगा रखी? सरकार आपको ऊने की पगार नहीं देती? ऊने की नहीं देती है, सोने की देती है। सोना है तो घर जाके सोइए साहब, घर नींद नहीं आती क्योंकि सोना यहाँ है। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। घर खोल 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 घर खोल। दुश्मनों के हाथों से तो मरते सुना दोस्त, तो अपनों के हाथ बेमौत मारा गया। सैड, रियली सैड। कि आज पुलिस के साथ काफी आंख मिचोली हुई, पाल कहां है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चमकता हुआ सितारा। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू अमर, हम तुमसे बहुत खुश हैं। और मैं आपसे बहुत दुखी हूं। आज आपके आदमियों ने वो हरकत की है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम्हारा इशारा मोहन की तरफ तो नहीं? उस इंसान की तरफ है जो जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहा, दिन रात मेहनत करके आपकी तिजोरी भरता रहा, और आज आज आपने उसे कुत्ते की मौत मरवा डाला। हमने उसे नहीं मरवाया अमर, बल्कि वो खुद मौत की आगोश में चला गया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर वो आदमी जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाता है, और हम उस खतरे को वक्त से पहले ही खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है आपकी नजरों में इंसान की कोई कीमत नहीं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंसानों की नहीं बल्कि काम करने वालों की जरूरत होती है। जज्बात,
प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इन चीजों की हमारे लिए कोई कीमत नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? पुलिस हमारे लिए मौत है। मोहन गिरफ्तार हो चुका था और उसके जरिए पुलिस हम तक पहुंच सकती थी, इसीलिए हमने पुलिस के रास्ते की पहली सीढ़ी काट डाली। और इतने सालों से मुझे अंधेरे में रखा गया था। मैं नहीं जानता था इतने गैर इंसानी असूल हैं आपके। मैं इन्हें मानने से इनकार करता हूं, इसलिए आज आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहा हूं। हमारा आदमी पहले जिंदगी से अलग होता है, बाद हमसे। मगर मैं जीते जी अलग हो रहा हूं। आज अपनी डायरी से अमर का नाम हमेशा के लिए काट देना। इसका अंजाम जानते हो? मौत से ज्यादा तो नहीं होगा। फूल, उसे मैं भी मार सकता था, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए। अगर इसने पुलिस के सामने अपने खिलाफ जबान खोली तो? नहीं, वो बहादुर है। अगर उसके कदम मेरी गोलियां नहीं रोक सके तो उसकी जुबान पुलिस भी नहीं खोल सकती। सॉरी डार्लिंग, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आओ चलिए। टीना बेटे, अब की बार छुट्टियों में कहाँ चले? पापा, मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। हाँ बेटे, बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चीना, तुम्हें लगी तो नहीं? मामा दली का नाम पाइथन का बाल बदली हुआ। हमारा नाम तो हमारा
आप तो बॉक्सर हैं, आप डरते क्यों हैं? हम डरते नहीं, वो हमको मारेगा, हम उसको मारेगा तो वो मर जाएगा, हमको जेल जाना पड़ेगा, घूसा लगा के। आप ही की बात करो, हम अभी उसको देखता है, घूसा लगा के। मेरा नंबर जानना नहीं चाहोगे? रास्ते में पूछना भूल गए थे, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि हिसाब किताब बराबर रहे। ये हमें हिसाब सिखाने आया है। हिसाब सिखाने नहीं, चुकाने आया हूँ। तीन नीस ओवर हॉलिंग बॉयज, लगता है इंजन काफी गर्म हो चुके हैं। आवाज करा आवाज वो नहीं, नीला टोपी, तुम बहुत आवाज करता था। अरे तुम्हारा साइलेंसर बंद करेगा, वो जवान करेगा ना, घूंसा लगा के। हेलो, ये मेरी बेटी टीना है। हेलो हेलो, मेरे पापा बहुत ताकत वाले हैं। आपका नाम क्या है? शीला। आप तो बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। हाँ तो मोहम्मद अली साहब, आपका जो नुकसान हुआ है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो अंदर रखो नुकसान की तो फायदा हुआ। वो कैसे? अरे हमारा सड़ा बुद्धा बाप हमको इस शीश महल के अंदर कैद किया था, और से हम आजाद है, ये होटल बंद है, और हम रिंग करना चालू। पापा, हम शीला को घर छोड़ दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। शीला देवी, पता लोग के अंदर बहुत तकलीफ होता है, ये नौजवान हमारा नया शौकीन, इसके साथ में जाओ, पता लोग नहीं करना, शौकीन बिल्कुल नहीं होगा। मेरे उस्ताद की बात तो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा चलिए, बाय चैंप। ओके चैंपियन, ये रहा मेरा घर। शीला, अब कभी भी तुम बेताल करेंगे तो मुझे और मेरे पापा को बुला लेना। मेरी भी क्या जरूरत है, तुम अकेले ही काफी हो। शीला, आप अकेले जाती हो? पापा काम पर चले जाते हैं तो मैं भी अकेली रहती हूँ। क्यों, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है। शीला, मैं आपसे घर में मिल रहा हूँ। जरूर डालें, जब जी चाहे। थैंक यू वंस अगेन। राजेश, मैं
निकल जाते छूट रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। माला माल हो जाओगे दोस्त। मैं तुम्हारा बाहर आने का बेचैनी से इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। ये तन तो नहीं कर रही। बहुत प्यार करती है तुमसे। तुम्हारे प्यार में इतना खो गई है कि इसे याद नहीं कि बाप नाम की भी कोई चीज है। तकदीर वाली। इसमें तकदीर की क्या बात है? कहते हैं किसी का प्यार तकदीर के आसमान में चार चांद लगा देता है। चाहत इंसान का नसीब संवार देती है। पहचाना मुझे? आप जैसी शक्ल कभी भूली जा सकती है? मेरी बीवी का भी यही ख्याल है। तो जाइए ना, उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजारिए। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, तुम जैसे लोगों को भी ख्याल रखना पड़ता। ऐसा लगता है कि सरकार आपको मेरे ही पीछे पड़ने की पगार देती है। हाँ मत जाओ ना यार। सर सर जाइए ना, इतना बड़ा शहर है, कहीं चोरियां पड़ रही होंगी, किसी की इज्जत लूटी जा रही होगी, कहीं डाका पड़ रहा होगा। नामुमकिन, तुम्हारे यहाँ होते हुए शहर में ये सब कुछ नहीं हो सकता। कहीं छोड़ दूँ? पिछली बार जेल तक छोड़ा था, इतना ही काफी। अब की बार घर छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की गाड़ी में आदमी जेल जाता है, घर नहीं। गुड, आई लाइक इट। लेकिन छह महीने तक हफ्ते में दो बार बैंड्रप पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी देनी पड़ेगी। हा? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं जिंदगी में आज के बाद कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहता सर। हफ्ते में दो बार तुम्हें आना पड़ेगा। मोटरसाइकिल है, जाओ। आप सामने देखेंगे, रास्ता आगे है मगर मंजिल तो पीछे है। अब आप शराफत से 6th रोड बैंड्रा वेस्ट तशरीफ ले चलिए। इरादे क्या है? इरादे नेक है, नए नए मेहमान आए हैं, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी खातिर मदारत करेंगे। और क्या करेंगे? ऐशला बोलना। राजेश सॉरी, खो गया था। कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? तुम्हें बचा लेता और खुद मर जाता। लोग कहते आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अच्छा एक बात बताओ, इन दिनों कभी हमारी याद आई थी? तुमको नहीं आई होगी, मगर मुझे इस तनाई से घुटनती महसूस होती है।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती राजेश। तो फिर एक काम करता हूँ, अगली बार अंदर जाऊंगा ना तुम्हें भी साथ लेता जाऊंगा। यानी तुमने अभी से अगली बार जाने का फैसला कर लिया? फैसला तो नहीं किया, लेकिन अगर तकदीर में लिखा होगा तो कोई क्या कर सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, आजकल बड़ी ऊंची और शायराना अंदाज की बातें करने लगी, कहीं किसी शायर से मुलाकात तो नहीं हुई? हाँ मुलाकात तो हुई थी। किससे? Hey, तुम्हारी तरह खूबसूरत नौजवान जिसके ख्यालों में शायरी और बातों में फलसफा है। राजेश क्या हुआ, हम नाराज हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं शिरा। अरे बाबा तौबा, मेरी तौबा, अब कभी भूल कर भी ऐसा मजाक नहीं करूंगी। चलो उठो, यह दिन भर यही बैठे रहोगे। चलो ना। फरमाइए। आपको ले जाने आए हैं। कहाँ? आपकी दावत है। मुझे बाहर खाने का शौक नहीं, आप लोग आइए। अजीब तमाशा है, ये दावत है या अदावत? वहां पहुंचते ही पता चल जाएगा। चलिए। शीला तुम घबराओ नहीं, मैं भी आता हूं। चलिए। प्यारे जब आप लोगों के साथ शराफत से चल ही रहा हूं तो फिर इसकी क्या जरूरत है, इसे दूर रखिए, बहुत डर लगता है। थैंक यू। आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? अरे भाई दावत पे जा रहे हैं, जरा हंसी खुशी की बात करते हैं। क्यों तकलीफ हुई हो तो आई एम सॉरी। मुझे तो बुलाने वाले की शक्ल देखनी थी, इसीलिए चला आया। अच्छी बंदूक है। फैंटास्टिक। विकी, हमें आपका दोस्त पसंद आया। यह है हमारी बहन प्रिंसेस ज्वाला। हेलो। हेलो। हमारे भाई ने आपकी बहुत तारीफ की, इसीलिए आपको यहाँ बुलवाया। खूब कहा आपने, जिसकी तारीफ की गई हो उसे इस तरह बुलाया जाता है और जिसकी तारीफ ना की गई हो उसे। आइए प्लीज। चल्स। आप इसे जानते हैं? हाँ, ये एक बार मुझसे आठानी की शर्त हार चुका है। आठानी की? ये तो अरबों रुपयों का मालिक है। मेरी नजरों में जिस आदमी की जितनी कीमत होती है मैं उसके साथ उतनी ही शर्त लगाता हूँ। खूब परखा आपने, ये है इसी काबिल। लेकिन इसकी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए के जेवरात बंद हैं, जिन पर हमारा हक है। सुना है आपकी उंगलियों में जादू है, ताले आपकी उंगलियों के इशारों पे नाचने लगते हैं और दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आप चाहती हैं कि मैं अपनी उंगलियों का जादू दिखाकर इस तिजोरी के दरवाजे खोल दूं? जी दोस्त, ये रहे 50,000 रुपए, एडवांस के तौर पर रख लो, काम खत्म होने पर 5 लाख और। जितनी जल्दी हो सके हमारा ये काम कर दीजिए। बहुत जल्दी में है आप लोग, मैं अभी अभी बाहर निकला हूँ। ये एडवांस अपने पास रखिए, दोबारा मुलाकात होगी फिर बात करेंगे। दोस्त इसे रखिए अपने पास, जब तक ये एडवांस आपके पास रहेगा आप हमें और हम आपको याद रखेंगे। अगर आज मैं ये ड्रम्स बजाऊं आपको कोई इतराज होगा? बिल्कुल होगा। अब भी होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इनफैक्ट यू वेलकम। मुझे मालूम था।
राजेश, तू राहुल से, वो लोग मुझे खतरनाक मालूम होते हैं। हुआ करें खतरनाक, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे डर लग रहा है कि तुम फिर उसी रास्ते पे वापस तो नहीं जा रहे हो। मैं कहीं वापस नहीं जा रहा हूँ शीला, यही हूँ तुम्हारे पास, यकीन करो। पैसे कहाँ से आए इस बात की फिक्र मत, तुम इस बात की फिक्र करो कि इसे खर्च कैसे करो। मगर तुम आए कहाँ से? अरे यार, तुम आम खाओ ना, पेड़ गिरने से क्या मतलब है तुम्हें? राजेश, तुम्हें पैसे से ज्यादा प्यार है या शीला से? ये भी कोई पूछने की बात है? ये क्या किया तुमने? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अकल आ गई है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम कभी सुधर नहीं सकती। चोरी तुम्हारी नस नस में बस चुकी है राजेश। हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन किसी गरीब की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं उनके वहाँ चोरी करता हूँ जो सिर्फ पैसे की पूजा करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। और ये हक तुम्हें किसने दिया? उन लोगों ने जिन्होंने लाखों इंसानों का हक मार कर ये दौलत जमा की। शीला तुम समझती क्यों नहीं, मैं चोरी अपने जेब में भरने के लिए नहीं करता हूँ। मैं सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूँ। बुरा क्या है अच्छा क्या है मैं नहीं जानता, और न ही मुझे इस बात की परवाह है। लेकिन जब मैं तुम्हें क्लब में नाचते गाते देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या चाहते थे तुम? कि मैं सबको भीख मांगती फिरती, लोगों के आगे हाथ फैलाती फिरती? 3.5 साल की तनहाई और अकेलापन, जानते हो क्या होता है? अगर जानते होते तो आज भी ये काम नहीं करते। राजेश, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ये आदमी चाहिए, बहुत जल्द चाहिए। यू अंडरस्टैंड? गो ऑन, फाइंड हिम, फाइंड हिम, फाइंड हिम। अरे साहब, क्या निशाना है आपका? मान गए साहब, मान गए। ये है कौन? तुम्हारी तरह एक मुजरिम है जो मेरे हाथों से फिसल गया। लगता है मैं ही एक बदनसीब हूं साहब जो आपके हाथों फंसा हुआ हूं। साहब, ये पुतला आपने कहां बनाया? क्यों? मुझे भी आपका एक ऐसा पुतला बना के घर में पूजा करना है ताकि आपसे मिलने से छुटकारा हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था हफ्ते में 2 बार मुझे हाजिरी देना। नहीं साहब, हफ्ते में 2 बार नहीं कहा था, 2 हफ्ते में 1 बार कहा था। क्यों बुलाया तुम्हें? साहब, हफ्ते में 2 बार कहा था, लेकिन आपका चेहरा इतना भयानक है, साफ 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 भरी हुई है। खाली है। सुनो, आपकी बार अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं आप मिलूं तो कहां मिलूं? दिन भर आप आउटडोर करते हैं, पुतलों की चालमारी करते हैं, रात को आप नाइट क्लब में दाढ़ी लगा के गाना गाते हैं। यही गाना था साहब, जरा सुनाइए तो। लैला ओ लैला लैला, ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे। क्या आवाज है साहब आपकी, वाह वाह वाह। सुनो, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आप गुस्सा मत होइए, आप खान हैं, आप मेरा पीछा कर रहे हैं।
पहले दिन से ऐसी बंसरी बजाई है कि अभी तक मेरी डिप्टी टाइट है। I like it. कुछ जले हुए नोट मिले हैं वहाँ, जहाँ आप अपनी माशूका के साथ तशरीफ फरमाते। लगता है फिर पर निकल आए तुम्हारे, जरा होशियार रहना। हाँ, और अब की बात, अगर हफ्ते में दो बार हाजिरी नहीं दी ना तो तुम हो कहाँ? इसी दुनिया में हो। हमारी दुनिया में कब आ रहे हो? अभी फैसला कर नहीं पाया, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अच्छी तरह सोच लो, और ये भी सोच लो कि प्रिंसेस को ना सुनने की आदत नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी की बात नहीं। आपने कुछ कहा? मैंने कहा बात खत्म हो जाएगी तो गाड़ी हट जाएगी। भाई साहब, आप कुछ शराफत से काम ले रहे हैं, आपने कुछ और ही कहा था। सुनना चाहते हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने कहा शराफ यू बास्टर्ड, और कुछ सुनना है? नहीं नहीं, बस आज के लिए इतना काफी। अभी हमारी एक मुलाकात और होगी, और वो तुम्हारे लिए आखिरी होगी। कौन था ये? बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे जरा होशियार रहना। हाँ, होशियार तो रहूंगा, लेकिन आज के लिए शुक्रिया। तुम ना होते तो गोली मार चुका था। मार भी देता तो क्या फर्क पड़ता, फौलादी आदमी हो, गोली चकरा के वापस चली जाती। तुम्हें कहीं देखा है? शायद। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे, आजकल क्या कर रहे हो? मोटरसाइकिल तो है, मौत का कुआं ढूंढ रहा हूं। वांट टू लिफ्ट?
जी नहीं, मेरे बाप का रास्ता नहीं, आपके बाप का रास्ता है। तुम्हारे बाप नाम लेके बाप का नाम लेके तुम बाप का नाम लेके तुम एक तो तुम्हारा एक का एक बाप है उसको तुम गाली देता एक तो रॉन्ग पार्किंग करता ऊपर से गाली नहीं देता। अरे पहलवान, तुमसे दादागिरी करके क्या मुझे अपनी मौत बुलवानी है? जरा अपनी पर्सनैलिटी को देखो, कहीं गुस्से में आकर मुझे धर दिया तो मैं तो 12 फीट जमीन के अंदर घुस जाऊंगा। जोयो डाली आई माना एक अग्नि को मारी कैपेसिटी सूचे का समझी गयो। अरे ते मारी साजा 12 वर्ष छिया लगन दिदा छे पर अजून तने मारी कैपेसिटी सूचे का मालूम नथी। तुम क्या कहता है गाय तक? हां जल्दी करो, ये तो गाड़ी को मुक्का मार के भुक्का करके हाथ में ले देगा। अरे जाता है बाबा, जाती बात नहीं मांगता है, ये तो गाड़ी के साथ दांत भी तोड़ के हाथ में ले देगा। क्या तुमको नहीं, हम तुम्हारे बी के बारे में बोलते हैं, भंकस करती है ना, इसके दांत के बारे में बोलते हैं, इसका दांत तोड़ के इसकी माँ के हाथ में ले देगा। तुम तो हमारा भाई की माफी है, मैरिड माने तो सुखम हैरान करो छो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल डाल के रहता है। आई बन्ने गुंडाओं ने हैंडसम लाका था ना, और आई हैंडसम ने जो है बन्ने गुंडाओं नासी का नहीं मारी। अरे रेवा देनी रुस्तम रेवा देनी, काली बहुत ना दफा क्या मारे तेरे से, रात ना घर में चोर भरा तो तुम्हें देख ली मुके बाथरूम में घुसी क्यों? ये तो हमारी बंदूक करो मत करो। अरे पछे बंदूक लेने पाटला रस्ते थी आवे तो खरो। अरे काई रास्ता वाटो जूनी वाटो कारी मारू अगर अपसेट करे छ चाली मरने काली में बैसनी अक्कल वगा नहीं कई समझे ने। आज पुरिया भी बाप ने जूने कालियो पाले मने खबर मारा पुरिया छे के बिजाना पुरिया। शीला तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो पापा से? नहीं तो फिर इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आई? जवाब दे रही तो मैं बता दूंगी। तुम यहाँ रहते हो? मैं नहीं यार, मेरी जिंदगी का किस्सा। आओ आओ। मैं कैसे रुक जाओ, बहुत हो गई मजाक, मुझे गुस्सा नहीं लगा है, रुक जाओ सीना वरना मैं मारूंगी। शाबाश बेटे, और गिराना से इसका दिमाग गर्म है, इसी बहाने ठंडा हो जाएगा। आपको मैं जो तो हूँ, लेकिन आप किसकी बेटी है? पापा की। हाँ? ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। इसका मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं। तो फिर ये बच्ची नहीं पाती रहती है, खेलने आ जाया करती है। अजीब इत्तेफाक है, मेरी मुलाकात बाप से हुई और तुम्हारी बेटी से। अमर ये शीला। हेलो। हेलो अच्छा राजेश, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? फिर कभी, घर तो देख लिया है, आता जाता रहूंगा। क्या बात है शीला? अमर, तुमने राजेश के सामने तुमसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए नहीं कि मैं उसे धोखा देना चाहती थी, बल्कि मैं उसे खोना नहीं चाहती। वो मुझसे पागलपन की हद तक प्यार करता है, अगर उसे ये पता चल जाए कि अनजाने में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह पैदा हुई थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और मैं जाने क्या कर बैठेगा। तुम्हें भूल कर भी इसका जिक्र उसके सामने मत करना। शीला, मुझ पर विश्वास रखो, ये राज राज ही रहेगा। राजेश ही प्यार के काबिल, जिस तरह तुम उसे खोना नहीं चाहती, मुझे भी उसे खोके दुख होगा।
बेटा तुम पापा से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ। फिर मेरी एक बात मानोगी? हाँ मानूंगी। आज के बाद तुम शीला के यहाँ मत जाना। क्यों? बेटे कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम बड़ी होके समझोगी। याद आया, मैंने कहा था हमारी तुम्हारी एक मुलाकात और होगी और वो तुम्हारी आखिरी होगी। जिंदगी की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है खिलौनों की जगह मौत से खेलता आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, जिंदा रखूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जिंदगी मौत से बदतर होगी। तुझे अपने पैरों पे बहुत नाज है ना, लेकिन आज के बाद तू एक कीड़े मकोड़े की तरह रेंगता हुआ रहम की भीख मांगेगा। ये मेरे काम का आदमी है। तुम बड़े तकदीर वाले हो कि तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला। हालांकि दोस्त हमारा भी है। लेकिन शायद तुम्हारी यह हालत देखकर इसे हमारी दोस्ती का ख्याल आ जाए। अगर ये ना चल सका ना तो मर के 10 जन्म भी लेगा तेरा काम नहीं करूंगा। ठीक है, एक मौका और देता हूं, वरना इससे बुरा हाल इसकी बच्ची और तेरी माशुका का करूंगा मैं। चलो बेटे, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चलो बेटी घर चलो, पापा को आराम करने दो, हम कल फिर आएंगे। जल्दी अच्छे हो जा। बाय बाय पापा। चलो What a pretty child. Hello, darling. अरे आप रो रहे हैं बेटे? नहीं रोने का, चुनु खाए चुनु। Where is it gone? Pretty child. Yours? आपकी बच्ची है? बैड। मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है, मैं कुछ सवाल पूछने आया हूं। ये कोई सवाल पूछने का वक्त नहीं है। शट अप। जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जवाब तुम दोगे, फिलहाल मैं इससे सवाल पूछूंगा जवाब यही देगा। अंडरस्टैंड? ये सब कैसे हुआ? एक लॉरी में। I told you to keep your dirty mouth shut. कानूनी कार्रवाई में दखल देने का नतीजा जानते हो तुम? हाँ? Shut up. I'm sorry. ये सब कैसे हुआ? Sad. I know it hurts. कैसे हुआ? Inspector साहब, मैं पूछता हूँ कैसे हुआ? आंध्रा हाईवे पे हम लोग जा रहे थे, एक लॉरी ने उड़ा दिया।
लॉरी का नंबर तो नहीं लिया होगा ना? और ये आपके दोस्त भी आपके साथ ही होंगे? कोई हैरत की बात नहीं, ये जहां होते हैं एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। सुनो, मालिक ने तुम्हें बड़ी खूबसूरत आंखें दी हैं, उनका गलत इस्तेमाल मत किया करो। I'm talking to you. ये जो बार बार करते रहते ना, यू यू यू, एक दिन हमेशा के लिए यू कर दो, समझे? थैंक यू। तुमने मुझसे झूठ क्यों बनवाया राजेश? तुम्हारी मेरी मुलाकात दो बार हुई है और दोनों बार तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तो तुम्हें दोस्त मान लिया, अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो बताओ। दोस्त? तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं एक मुजरिम हूं, 3.5 साल की सजा काट कर आया हूं। जब जेल से छूटा तो विक्रम और उसकी बहन ने मुझे एक बहुत बड़ी रकम एडवांस दी और मुझसे काम करवाना चाहा, लेकिन शीला के प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गलत रास्ता और गैर कानूनी काम हमेशा के लिए छोड़ दूं, वरना मैं उसे खो बैठता। मैंने उस सारी रकम जला डाली और ना मैं उनका काम कर सका और ना उनकी रकम लौटा सका। तब से वो मेरे पीछे पड़ा है और वो इत्तेफाकन तुम्हारा भी दुश्मन बन गया। अगर कल मैं वक्त नहीं पहुंचता मेरे दोस्त, तो वो तुम्हारे पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देता, तुम्हें हमेशा के लिए मजदूर बना देता। राजेश, मुझे तुम्हारी दोस्ती पे नाज है। दुआ कर मेरे दोस्त कि मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊं। मैं उस कुत्ते को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी मौत के लिए तरसेगा। जन्म किधर हुआ? घर में हुआ का हॉस्पिटल में हुआ? अरे तो हंसती है, लगता है इसका जन्म लिफ्ट में हुआ। अरे ये तो वही दोनों गुंडा लोग है। चलो कुंडा लोग, तू मुड़ा हमारी बीवी के साथ चक्कर चलाता है, मुड़ा चलाता है, मुड़ा चलाता है। चलो चाचा उठा लेके चलो। अरे ये तो मावेज हमें चले सही हो तो चंपा कंचन में रख जा डालिंग। अरे चंपा के ऐसी रहते हैं, हमारा नाम रुस्तम है रुस्तम। दोनों गुंडा लोग का हमारा रुस्तम गिरी बताता है, समझता क्या? साला तुम हमारा मैरिड लाइफ खराब करता है, मैरिड लाइफ खराब करता है। उस दिन तुम हमको हूल लेता था, हूल देखा हमारे आदमी लोग ने तुमको तोड़ फोड़ के हजार फ्रैक्चर करके इधर बुला दिया, टूट गया सर। चला हंसता एक लोटा है, ये टूट गया जब तुम किधर था? जास्ती बंकास मत कर रहा, नहीं तो हमारा बाहर आदमी बहुत खड़ा है, जास्ती गड़बड़ करेगा ना तो तुमको भी मार फाड़ के हजार फ्रैक्चर करके इसके बाजू में सुला देगा, समझा? Thank you.
रही हो तुम? कहाँ चले गए वो? पता नहीं, काफी देर से नहीं है, मैंने हर तरफ तलाश किया। बास्टर्ड, ये उस विक्रम की चाल है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब ठहर जा, चल बाजी मत कर, तेरा गलत कदम तेरी और टीना दोनों की जान ले सकता है। मैं उसके खानदान को जला के खा कर दूंगा। हट जा, जिद मत कर अमर। हट जा। आई नकाब पोश, तुम्हारा नकाब तो उतर ही चुका है, अब यह हथकड़ियां पहन लो। इंस्पेक्टर खान को कुछ नहीं बताना समझी? ये तो अकेला ही आया है, राजेश क्यों नहीं आया? इसकी मौत के बाद आंसू बहाने के लिए आएगा। विक्रम मेरी बच्ची का है, मेरे पास है, करीब और ले जाओ। जल्दी कर दो इसे गोलियों से। और आगे आने दे बहन, इसकी मौत का तमाशा नजदीक से देखेंगे। छोड़ दो मेरे राजेश, होश में आ मर, हराम मौत मरेगा क्या? हराम की बात मैं नहीं, ये लोग मरेंगे। एक एक तो खून डालूंगा। छोड़ दो मुझे, मेरे जीरा सिर्फ तेरी बच्ची मेरी कुछ नहीं। ये लोग चाहते हैं ना मैं इनका काम करूं, इनके लिए चोरी करूं, मैं करूंगा। नहीं तू चोरी नहीं करेगा। मेरे पास एक प्लान है, मुझे एक मिल की मोहलत दे दोस्त, सिर्फ एक मिल की, मैं जीना को भी ले आता हूं। सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद का चांद किधर आता है? खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है। ईद मुबारक। तुमको भी ईद मुबारक। आपसे एक जरूरी काम था। बोलो बोलो बच्चा, क्या नाम है? लायक, लायक क्या चीज है? हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमको चांद पे बेच सकता है। पहले तमाशा देखो बच्चा, डलता है। खुशहाल छो, बहुत अच्छा डालता है तुम लोग। तेरा मेहरबानी होगा, थोड़ा फसल था। अस्सलाम वालेकुम, खान ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक अख्तर ने, मुबारक शाह। ईद मुबारक। थैंक यू सर। क्यों आए हो? तुम्हारी मौत का परवाना लेकर आए हैं। यही अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूँ, शायद उस जेल की चक्की को भूल चुके हो तुम। इंतकाम का भूत अभी तक नहीं उतरा। वो मेरे भाई का इंतकाम था, लेकिन एक औरत का इंतकाम तुमने नहीं देखा। औरत जब इंतकाम लेती है तो उसकी आग में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। मैं पुलिस को ठीक 1:05 पे फोन करूंगा। प्लान तो इसने गजब का बनाया है,
लेकिन बेचारी की किस्मत में इसका फल नहीं है। राका के जवाहर आज लाते हैं और बच्चा बहुत अच्छा चाल था तुम्हारा राजेश, नहीं तो वो लोग तुमको जान से मार देता। खान बाबा ये सब आप ही की मदद से हुआ। वो किधर का बच्चा हमारे आदमी को आखिर पुलिस समझकर ऐसा गायब हुआ कि सांस तक भी नहीं लिया। चलो 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 हमारे इंतजार करता होगा। एमरजेंसी कंट्रोल रूम। हेलो पुलिस। यस। हाँ देखिए मेरे सामने की बिल्डिंग में डाका पड़ रहा है। कहाँ? 7th फ्लोर पे। बिल्डिंग का नाम है रिवेरा नारिमन पॉइंट। आप अपना नाम बताइए, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे बीच में मत डालिए, मैंने खबर दी है बस इतने काफी है। हेलो 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 पुलिस फोन किया। हाँ माला फाल हो गए दोस्त, 1 करोड़ का चक्कर है इसमें, तुझे ले नीचे करीम खान इंतजार कर रहे प्लेन तक पहुंचा देगा। सोच क्या रहा है? तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू साथ चल। फिर वही बात राजेश, तू मेरी बात मान, तुझे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं। इस दौलत से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकते हैं। कहीं इत्मीनान नहीं मिलेगा दोस्त, पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा इस बड़ी चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरे यहां पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अब साल डेढ़ साल की बात है, एक पुलिस आ रही है। सुन चोर से मिलने का कोड याद है ना? हाँ, ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। मैं शीला से क्या कहूंगा? समझा दिया मैं। IPC सेक्शन 379 रीड्स इनटू सेक्शन 511 अटेम्प्टेड रॉबरी। चोरी करते वक्त पकड़े जाने की सजा 1 साल 1 ईयर। और अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड पे जज साहब की नजर पड़ी तो शायद 6 महीने और यानी 13 साल। राइट। फिर सोचा रहे इंस्पेक्टर, लगाइए हथकड़ी। चीचा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, सुनिएगा। इरशाद। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम और इतनी मामूली सी चोरी में इतनी आसानी से पकड़े जाओ, बात जरा घटिया सी लगती है। इसमें घटियापन की क्या बात है इंस्पेक्टर, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। जब ये वर्दी पहनाई जाती है ना, सबसे पहली बात ये सिखाई जाती है, जो कुछ अपनी आंखों से देखो उस पर यकीन मत करो, जो अपने कानों से सुनो उस पर यकीन मत करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, सच्चाई की तलाश करो, और उसके बाद सिर्फ उसके बाद यकीन करो। आपकी नजरों में हकीकत क्या है? वो भी हम इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे। खान। क्या? 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 थैंक यू। देखा उसका नाम लिया ना, हकीकत सामने आ गई। कौन सी हकीकत इंस्पेक्टर? राका के घर चोरी हुई, उसकी तिजोरी से 1 करोड़ के हीरे गायब है। उससे मेरा क्या लेना देना है? उसी से तुम्हारा लेना देना है। ये सब दिखावे का पोस्टर है, दिखावे का। इंस्पेक्टर तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे कि उस चोरी में मेरा हाथ। तुम ठीक कहते हो, इतनी बड़ी चोरी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, अलबत्ता इस खून के इल्जाम में जरूर कर सकता हूँ। मैंने खून नहीं किया। शट अप, मैंने खून नहीं किया। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी क्वाइटली बॉय। तुम्हारा सारा रॉबरी का प्लान मेरी समझ में आ रहा है। तुमने और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने मिलकर ये डबल चोरी का प्लान बनाया था। तुम राका के घर में चोरी करोगे, उसकी तिजोरी से जेवरात निकालकर अपने दोस्त के हवाले करोगे, तो उसके बाद तुम्हारा दोस्त हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। तुम यहाँ इस सफर में मामूली से चोरी करते हुए पकड़े जाओगे, ज्यादातर तुम्हें 1 साल 1.5 साल की सजा लगेगी, और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त राका की दौलत से ऐश करो। तुमने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारे दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया, ये खून कर दिया और यहाँ से भाग गया। झूठ है, ये सच है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे दोस्त ने ऐसा ही किया है, तुम्हारी दौलत तुम्हारी माशूका को लेकर यहाँ से फरार हो गया है, तुम्हारे हिस्से में आई है जेल की सलाखें और फांसी का फंदा, सिर्फ फांसी का फंदा राजेश। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। बेईमानी के रास्ते में बेटे बाप को धोखा दे देते हैं, तो उसकी क्या चीज है। चलो सर, आई वांट यू टू वेट हियर फॉर द एम्बुलेंस टू कम। राजेश, राजेश डोंट बी एन इडियट, नामुमकिन कोशिश मत करो राजेश, सिर्फ मत करो, तुम यहां से भाग नहीं सकते। जब तक मैं अमर को मौत की नींद नहीं सुला दूं,
तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे इंस्पेक्टर। ऑफिसर डाउन द स्टेप्स, गेट डाउन द वेरी स्टेप्स। राजेश राजेश ने हमें डबल क्रॉस कर दिया और पुलिस का आना उसका मरना सब नाटक था, ऑल फ्रॉड। लेकिन वो जा कहां सकता है? जो उसका दोस्त उसके पास गया होगा और जो इस वक्त लंदन में है। ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। हेलो हेलो राजेश कहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिनों में आ जाएगा। ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास। पैसों का इंतजाम हो गया है? हो जाए। तुम परसों 11 बजे मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। राजेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अमर ने नहीं बताया? कौन अमर? ओह डोंट बी स्मार्ट विद मी जो, डोंट बी स्मार्ट। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कल तुम अमर से मिले थे। मिस्टर ब्राउन, लेम 30 सेंट कैथरीन स्टॉप। नाउ व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट? व्हाट? ठीक है, अगर मैं उससे मिला तो मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया? हाँ किया, बहुत बड़ा जुर्म किया। राजेश और अमर दोनों मुजरिम हैं, उन पर डकैती और खून का इल्जाम है। खून? खून। अगर वो लोग शराफत से अपने आप को मेरे हवाले कर दें तो मैं उनके सर से ये खून का इल्जाम मिटा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ असली खूनी विक्रम और उसकी बहन। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो 20 साल तो आसानी से लग सकती है। एंड मिस्टर जो, इफ यू ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी, वो 20 साल आपको भी उनकी कंपनी में गुजारने पड़ेंगे, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। राजेश को जरूर कुछ ना कुछ हो गया है, वरना वो अभी तक यहाँ पहुंच गया होता। कुछ नहीं हुआ, यकीन करो शीला। तो क्यों नहीं आया वो अभी तक? आ जाएगा। जब भी मैं पूछ रही हूँ तुम कहते हो आ जाएगा, आखिर वो कहाँ गुम हो गया? कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा है। वो क्या बात हो गई है आखिर, मुझे क्यों नहीं बताते? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शीला, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज मेरा विश्वास करो। अमर, एक बार तुमने अपना प्यार मुझ पर कुर्बान कर दिया था, मैं उसी प्यार का वास्ता देती हूँ। मुझे सच सच बता, उसे आने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? साल डेढ़ साल। राजेश, साल डेढ़ साल क्यों? ये क्यों नहीं कहता कि अब वो जीते जी यहाँ कभी नहीं आएगा? राजेश ये तो क्या कह रहा है? आगे बढ़ेगा तो गोली सीने के पार कर दूंगा। क्या? मुझे जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना? क्या बात कर रहा है यार, जब तक दुनिया जिंदा है भगवान तुझे जिंदा रखे। तेरी जिंदगी पर ताज्जुब कैसा? ये सब शीला को सुनाने के लिए कह रहा है क्या? बकता है तू, नशे में तो नहीं? नशा तो अब उतरेगा, दोस्ती का, प्यार का, इंसानियत का। क्या हो गया है तुम्हें राजेश? ये आदमी मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर यहाँ गया था। फांसी? हाँ फांसी। तू तो यही समझता होगा ना कि कानून ने मेरे लिए अभी तक सजाए मौत का ऐलान भी कर दिया होगा। सजाए मौत? एक खून हुआ है शीला, जिसके खतों का इल्जाम मुझ पर ठोका गया। कतूल? किसका कतूल? अपने आप से पूछ। नहीं राजेश, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर वो लाश कहां से आ गई? बोल, खून तूने किया और उसके छींटे मेरे दामन पर रंग दिए ताकि मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं। तू सारी दौलत के साथ शीला को अपनाकर जिंदगी में राइश करता रहे। राजेश कमीने, गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी और खुशियों के 1.5 साल तो वैसे भी कुर्बान कर चुका था। दौलत चाहिए थी ना, एक बार मुंह से कहे तो देखता। शीला का हाथ चाहिए था तो मैं तेरी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करके खुद अलग हो गया होता। अपवास बंद करना ही तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठा के देख सोचता क्या है, मर्द का बच्चा है तो ये रिवॉल्वर फेंक कर बात कर। Oh!
पापा मैं सोते में डर गई। कौन? मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ जो, मैं राजेश बोल रहा हूँ। तुम कब आए? अभी। सुनो, इंटरपोल की पुलिस और इंस्पेक्टर खान तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मुझे मालूम है जो, वो समझता है खून मैंने किया है। नहीं नहीं, खून तुमने नहीं किया है, खून विक्रम सिंह और उसकी बहन ने किया है। हाँ, जो तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर खान ने खुद मुझे बताया, तुम पर सिर्फ चोरी का इल्जाम है। हेलो राजेश, हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जो, जरा होशियार रहना। हाँ मैं होशियार रहूंगा, मैं तुम्हें बाद में पंडित करता हूँ। अच्छा अमर, मैंने तेरी दोस्ती को गाली दी है, तेरा दिल बहुत दुखाया है। हाँ यार, दिल तो तूने वाकई दुखाया। ले अमर, मार दे मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। दुनिया में कि तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा? अमर, Metro 1 calling HQ. Position A41 on FW, approaching junction 5 on M1. Over and out. Just keep on the road to High Cannon, okay? Yeah, that's it. Rajesh! Inspector Khan, London Police ke saath. Aba, Sirat kahan hai? Samne, lal gaadi ki dikki mein. Malik, we'll have to make a break for it. Come on, Sheila! You go for the bank. Hands up! Drop it! Quick! After it! Hurry, hurry! Move, move, move! Approaching Red Line Quarry. Position heading west of Chennai. Victor 1 to headquarters. Over. Position at Chennai. Underwater. I repeat. Underwater.
सबसे पहले हमें यह गाड़ी बदलनी होगी राजेश। उस खान के बच्चे ने तो अब तक सारी लंदन की पुलिस हमारे पीछे लगा दी होगी। ठीक है, तू इस कार पार्क से गाड़ी बदल ले, तब तक मैं जो को फोन करता हूँ। ओके। अमर, वो गाड़ी खुली लगती है। हाँ। बोलती क्यों नहीं, माल कुछ ठिकाने लगाना है, कहां मिलोगे? कहां वो? वेस्ट लंदन के रेती बंदर पे, ठीक 11 बजे। वेस्ट लंदन के रेती बंदर पे ठीक 11 बजे। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया है, मौत तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही है। मिस्टर जो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जा सकते हो, यू फ्री। ये तो एक मामूली सा नमूना है, तुम दोनों की दोस्ती आजमाने का असली मौका तो अब आया है। जिंदगी तो साथ में गुजारी है, अब जरा साथ में मर के दिखाओ। मरने से पहले इन दोनों की मौत भी देखते जाओ। Thank you.
मैंने कहा था ना साथ में मरके दिखाओ, अब वो वक्त आ गया। तुम क्योंकि तुमने हमको धोखा दिया। अमर, वाह क्या दोस्ती है, क्या दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा है।